सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप से। और टुडे में आज हम डिस्कस करने वाले इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 20 पैसे की तेजी देखने को मिल रही है और ये स्टॉक आधे परसेंट के करीबन का अपसाइड मूव दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर ध्यान दें तो पीछे के एक सप्ताह के अंदर स्टॉक में 2% की तेजी देखने को मिली है। तो वही 1 महीने में 21%, 3 महीने में 20%, 6 महीने में 12% और 1 साल के अंदर 12% की गिरावट देखने को मिली है। तो लॉन्ग टर्म में तो इस स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर बन रहेगा, परंतु शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में खरीदारी देखने को मिल रही है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखिए तो स्टॉक में एक टॉप बना 52 रुपीज 90 पैसे, 52 रुपीज 90 पैसे के इस पॉइंट पर स्टॉक ने एक टॉप लगाया। ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहेगा, जहां पर स्टॉक का एक सपोर्ट लेवल बना 44 रुपीज के इस पॉइंट पर स्टॉक ने एक सपोर्ट लेवल लिया और यहीं से स्टॉक में एक रिवर्सल पैटर्न जनरेट होता हुआ नजर आ रहेगा। तो अगर आप इस स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म के लिए पोजिशन बनाना चाहते हैं तो 44 रुपीज के एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के टारगेट अराउंड 55 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। स्टॉक में एक रुकावट रेंज है 52 रुपीज पर। स्टॉक एक बार 52 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट देता है तो स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए एक बड़ी तेजी दिखाता हुआ नजर आएगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।